वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समय प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा जय श्री गणेश जय श्री गणेश जय श्री गणेश। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जय सच्चिदानंद जी सबको। मेरा नाम है कनव गुप्ता और आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कनव आर्ट सेंटर पे। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जो है हिट कर दीजिए ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। इस तरह से आप मुझे सपोर्ट करेंगे एंड आई विल गेट मोर एंड मोर मोटिवेशन ब्रिंग न्यू स्टफ फॉर यू। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर्दियों से अब गर्मी हो चुकी है, ना गर्म मौसम है ना ज़्यादा ठंडा मौसम है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पहने क्या नहीं पहने। तो अभी तो फिलहाल टी शर्ट पे हम आ गए हैं अपने स्वेटर्स को छोड़ के। तो आज का जो वीडियो है वो है समथिंग स्पेशल, क्योंकि ये जो है मुझे अपनी मेडिटेशन में सोने से पहले जो फ्लैश आया था कि मैं एक स्केच मैंने बनाया और उसमें कुछ गोल्डन जो है यूज़ किया हुआ है मैंने, तो वो मैं स्केच ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होने ही वाला है। तो उसमें जब वो होगा उसकी वीडियो बनेगी, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया है। तो जो चीज़ आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं वो है ये क्या है, इसको खोलते हैं। और ये है, ये आप देख सकते हैं इमिटेशन गोल्ड लीफ है। तो ये दो तीन तरह के आते हैं, स्क्वायर लीफ में भी आता है, रियल गोल्ड लीफ भी आते हैं। वो रियल गोल्ड के करंट प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं उनकी क्या प्राइसिंग होती है। और ये जो है ये 2.5 नंबर कॉपर फ्लेक्स है, तो ये रियल गोल्ड नहीं है, ये इमिटेशन गोल्ड लीफ है। तो मेरे पास जो है तीन अलग अलग क्लूज हैं, जो स्टिक होती है ग्लू स्टिक होती है वो है, जो गम भी बोलते हैं इसको लिक्विड ग्लू होती है एकदम वो है, और ऑल टाइम फेवरेट फेविकोल। तो आपके सामने ही जो इसको फ्रेश इन ग्लूज के साथ और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स या कुछ लिखने की कोशिश करेंगे पेंसिल के ऊपर या जो भी अभी हम देखेंगे इसमें हम क्या करते हैं। लेट्स सी। तो इस तरह से जो है हमारे सिपाही तैयार हैं तीन चीजों के साथ। मैं जो है ये गोल्ड लीफ जो है ट्राई करूंगा, ग्लू स्टिक लिक्विड ग्लू जिसको गम कहते हैं हम, और फेविकोल। तो उसको उसे हम एक स्क्वायर शेप बनाएंगे तीनों के साथ, कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाएंगे और फिर पेंसिल शेड करके उसके ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे कि स्केचेस के ऊपर अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो कितना ही टिकता है। ब्रशेज जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, एक हार्ड ब्रश है छोटा और एक सॉफ्ट ब्रश है, तो ये अप्लाई करने के काम आएगा। सॉफ्ट ब्रश जो है वो ड्राई होने के बाद उसको डेलिकेटली जो है एक्स्ट्रा गोल्ड फ्लेक रिमूव करने के काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, एक स्क्वायर शेप बना लेते हैं। तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शेप भी जो है बना दिए, तो अब पेंसिल शेडिंग के ऊपर करने के लिए पहले कुछ शेडिंग कर लेते हैं, लगे हाथ बाकियों के लिए भी शेडिंग कर लेते हैं। तो अब इस पे क्या लिखे हैं, चलो के लिख लेते हैं मेरे नाम का इनिशियल। तो इस तरह से ये तीन इसके बेस रेडी हो गए हैं। अब थोड़ा सा जो है इसमें ये ले लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, हल्का हल्का इसको अप्लाई करना है। ये एक बड़ा सा आ गया तो ये बड़ा एरिया कवर कर लेगा। मेरा ब्रश थोड़ा सा मुड़ा हुआ है बट फिर भी चलो हम क्रिएटिव लोग हैं, कुछ ना कुछ काम ले ही लेंगे थोड़े मोटे चीज़ों से भी। ये एक बड़ा सा जो है एब्स्ट्रैक्ट शेप के लिए।
काफ़ी फन प्रोसेस रहता है। इजीली आप इसको टैप कर कर के स्टिक कर सकते हैं। फिंगर से भी आप इसको अगर केयरफुली अप्लाई करें तो स्टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा ये सूख गया है जब तक मैंने अप्लाई किया था, तो इसको थोड़ा और ग्लू लगा लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला था इसको नीचे ले लेते हैं। काफ़ी डेलिकेट भी होते हैं ये, तो आपको फ़ैन ऑन नहीं करना है क्योंकि ये हवा से उड़ जाते हैं। जैसे अभी मैं फूंक मारूंगा तो हु ऐसे उड़ सकते हैं। ये तो इमिटेशन लीफ है, आप हाथ से भी इजीली लगा पा रहे हैं, बट सोचिए जो गोल्ड लीफ, एक्चुअल गोल्ड लीफ होंगे वो कितने डेलिकेट होंगे। तो ऐसे ही तीनों को सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। तो इमिटेशन गोल्ड लीफ जो है, इस तरह से ग्लू स्टिक के ऊपर हमने पेस्ट कर दिए हैं अपने हार्ड ब्रश से। इंटरेस्टिंग मीडियम है, काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं, तो मैं अभी वो आपको बताऊंगा नहीं, ताकि आपकी जो खुद की इमेजिनेशन है उसमें क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं वो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंटेशन इज रियली इम्पोर्टेंट, और आप अपनी कुछ क्रिएशंस इसमें कीजिए। तो टाइम है जो ये गम है, इसके साथ प्रोसेस रिपीट करने का। इसके साथ भी जो है एक स्क्वायर बना देंगे। नीचे कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप और लास्ट में अल्फाबेट के। तो काफी ज्यादा वेट है ये, आई डोंट नो कैसे ये स्टिक होंगे गोल्ड जो ये पार्टिकल्स हैं। तो अब इस पे अप्लाई करने के लिए जो है ये गोल्ड फ्लेक हम लेंगे। अच्छा अच्छा तो ब्रश के साथ या हाथ के साथ, जिसके साथ भी आपको कंफर्टेबल रहे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे इसको कवर कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट शेप पे अप्लाई करेंगे ऐसे। तो इस तरह से इसको कवर कर लिया, और एज यूजुअल आपको थोड़ी सी टैपिंग करनी है ताकि जो ये है थोड़ा स्टिक हो जाए ग्लू के साथ। अब जो इससे जो के लिखा था उसके ऊपर गोल्ड फ्लेक लगाना का अब टाइम आ गया। तो इस तरह से ये अप्लाई हो गया, और जब ये सूखेगा तब इनके रिजल्ट्स जो है सामने आएंगे। टाइम फॉर टेस्टिंग विद द टेस्टिंग द सेम प्रोसेस विद फेविकॉल। सेम एक स्क्वायर बनाएंगे। नीचे कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट शेप, और यहाँ पर एक ए लिख देंगे, कुछ डिजाइन बना देते हैं। तो सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए ये तीनों जगह स्क्वायर पे, एब्स्ट्रैक्ट शेप पे और के सिंबल पे मैंने जो है गोल्ड लीफ लगा दिया है। अब इस सबको काफी देर तक सूखने देंगे अच्छे से। 8 hours later तो कुछ 8 घंटे से ये सूख रहे हैं। अब टाइम है इनको डस्ट ऑफ करने का, ये सॉफ्ट ब्रश के साथ, ताकि जो गोल्ड लीफ है वो डैमेज ना हो, और जो खाली वो एरिया जहाँ पे ग्लू नहीं लगी है वहां से गोल्ड लीफ निकल जाए, और बाकी जो हमारा जो भी पैटर्न था ग्लू के साथ वो निकल गया जाए। तो लेट्स स्टार्ट।
ग्लू स्टिक का तो ये पूरा ही निकल गया, ये चिपका ही नहीं। देखते हैं कि जो हमने एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाई थी उसका क्या रिजल्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट शेप का भी वही रिजल्ट है। अब देखते हैं पेंसिल के ऊपर जो के लिखा था उस पे टिका है कि नहीं। आया है पर आधा अधूरा। अभी तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश लिया है तब भी ये पूरा के आया नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह पे स्टिक हुआ सिर्फ। लेट्स मूव ऑन टू गम। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बनाया था। लीफ को डैमेज नहीं करना है, बस जो एरिया जहाँ पे ग्लू नहीं थी वो डस्ट ऑफ करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर शेप है अच्छी से निकल के आ गई है। नीचे की एब्स्ट्रैक्ट शेप देखते हैं आप। अच्छे से आ गई है ये भी। जो गम है वो अच्छा रिजल्ट दे रही है। अब नीचे जो के लिखा हुआ था उसको देखते हैं, इजिली हो रहा है। उसका रिजल्ट देखिए आप, रवि स्टिक का, ब्लू स्टिक का और ये गम का एकदम नीटली जो के है वो निकल के आ रहा है। नाइस। तो सेम फेविकोल का अब देखते हैं। तो आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी यूज कीजिए, जो भी ये देख के आपको आइडियाज आ रहे हैं कि कहाँ आप ये यूज कर सकते हैं, क्या शेप्स, क्या डिजाइन, क्या पैटर्न्स आप अपने आर्ट वर्क में, पेंटिंग्स में, स्केचेस में बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको कोई आइडिया नहीं दूंगा, कोई आर्ट वर्क नहीं दिखाऊंगा कि कैसे ये यूज हुए हैं, ताकि आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए। एब्स्ट्रैक्ट शेप तो इसीलिए आप देख सकते हैं अच्छा से, जो हमने रेंडम एक शेप बनाई थी तो वो रिवील हो गई है एब्स्ट्रैक्ट शेप। विद टाइम एंड प्रैक्टिस आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सी ग्लू आपको लेनी है, कैसी शेप आपको बनानी है। ये एक्स्ट्रा वापस डिब्बी में जाएगा। और नीचे हमने के लिखा था। तो ग्लू कोई भी है उसको आपको पूरा सूखने देना है, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, जितना भी मैक्सिमम टाइम आप दे सको, तभी वो इजीली जो है रिजल्ट देगा अच्छा। ये जो है सारा का सारा जो वापस बॉक्स में जाएगा। तो कुछ इस तरह का रिजल्ट, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है हमें मिले हैं इसके। तो विद टाइम एंड प्रैक्टिस जो भी हम इससे सीखेंगे, जो भी आर्टवर्क में इसको अप्लाई करेंगे, तो एक फुल ट्यूटोरियल में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा इन फ्यूचर। तो अभी जो एक फर्दर पॉइंट जो मुझे आपके साथ शेयर करना है वो यह है कि कुछ वीडियोज में मैंने देखा, रिसर्च करते टाइम की इसको, जैसे ये लीफ अभी थोड़ा टेक्सचर दिख रहा है इसमें, तो इसको यूज स्मूथ करने के लिए इसकी बर्निशिंग करते हैं। उसके काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, जिसमें से एक दो जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं वो है बर्निशिंग विद एगेट स्टोन। ये इस तरह का होता है, स्मूथ स्टोन होता है। ये अमेजोन से मैंने बॉक्स मंगाया था क्योंकि एक मिल नहीं रहा था। तो इसको अगर हम इस पर रब करते हैं तो ये स्मूथ होते जाता है। तो करके देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस कुछ दिख नहीं रहा है उसको करने के बाद। लेट्स ट्राई ऑन दिस, क्योंकि फेविकोल का ज़्यादा चिपका होगा और रफ भी काफ़ी है। तो आधा पोर्शन को बर्निश करके देखते हैं। काफ़ी जोर लगाने के बाद भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस आ नहीं रहा है।
अब यही एक दो रीज़न हो सकते हैं, या तो मेरा एगेट स्टोन है वो राइट नहीं है जो होना चाहिए, तो या तो मैं इसको सही से नहीं कर रहा हूँ। और एक और मेथड पता है मुझे, वो है प्लास्टिक शीट को यूज़ करके इसके ऊपर, उससे भी आप वर्निशिंग, इसकी बर्निशिंग कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। तो ऐसा एक प्लास्टिक शीट ऊपर रख दी है, तो इसको आधा जो है रब करके देखेंगे, बर्निशिंग करेंगे इसकी। और एक सिंपल ब्रश ले लिया है मैंने, उसके एंड से, स्मूथ एंड से बर्निशिंग करके देखते हैं। वो प्लास्टिक शीट से थोड़ा तो स्मूथ हुआ है कंपैरेटिवली राइट साइड से, बट इतना भी नहीं। वो टाइम के साथ पता चल जाएगी कैसे बर्निशिंग करनी है, प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप इसमें से आपने कुछ ना कुछ लिया होगा। तो बात है इसके रिव्यू एंड रेटिंग की, तो मैं इसको 5 out of 5 स्टार्स ही दूंगा। काफ़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, और जो भी ड्राई होने के बाद जो एक्स्ट्रा ब्रशअप करके जो भी पार्टिकल्स बचते हैं उसको हम रीयूज कर सकते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। रियल गोल्ड लीफ तो आप किसी स्पेशल ऑर्डर पे ही यूज़ कर सकते हैं, किसी जहाँ भी आपको अपने आर्टवर्क में कुछ एक एज क्रिएट करना है, कुछ यूनिक लुक क्रिएट करनी है, कोई डिज़ाइन या पैटर्न देना है, गोल्डन लुक देनी है, तो आप इसको बेझिझक उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 ग्लूज तो मैंने आपको दिखा दी हैं, तो मैं अभी इस टेक्निक में न्यू हूँ, तो मैंने ये 3 ग्लूज एक्सप्लोर किए हैं। अगर आपको पता है इसको एग्जैक्टली किस चीज़ के साथ स्टिक करते हैं और इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या कोई स्प्रे है या कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसको प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं अभी कुछ सीख सकूं आपसे। और मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है और जो भी चीज़ें ट्राई किया, उससे उम्मीद करता हूँ उससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये था इमिटेशन गोल्ड लीफ का फर्स्ट टेस्ट, हमने कैसे इसको अप्लाई किया, कौन कौन सी ग्लू यूज़ की और बर्निशिंग किसके साथ ट्राई की। तो होपफुली आप इसमें से कुछ ले पाए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, गोल्ड लीफ क्या होता है, इमिटेशन गोल्ड लीफ क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो विथ प्रैक्टिस एंड टाइम और आर्टवर्क पे यूज़ करके एक्सपीरियंस के बाद एक फुल ट्यूटोरियल आई विल बी मेकिंग, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको बर्निशिंग कैसे करना है, इसको प्रिजर्व कैसे करना है, ताकि ये टार्निश होने से बच सके। तो होपफुली ये कुछ फ्रूटफुल रही हो आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो दिस इज कनव गुप्ता टेकिंग योर परमिशन टू साइन ऑफ। कीप लविंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग, इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड जय माता दी, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।